हरेक व्यक्ति नूं अपने दंदां दी बहुत फिक्र हुंदी है। दंद सोहणे होण ते व्यक्ति दी सुंदरता भी दूनी हो जांदी है। जेकर असीं दंदां वल ध्यान ना देईए तां दंद खराब होण लगदे ने ते व्यक्ति दी सुंदरता भी गायब होण लगदी है। ते दंदां नाल ही स्वाद हुंदा, हरेक चीज़ खाने आ दंदां नाल ही खाने आ, जे दंद ने ते स्वाद ने, ये पंजाबी दी कहावत हुई। दंदां दी हर रोज़ नियमित सफाई ना करना, दंदां ते मैल जम जाना, इस जम्मी हुई मैल यानी करेड़े विच जरासीम पैदा हो जाने, ये जरासीम दंदां दीआं जड़ां विच पुज के दंदां नूं अंदरों खोखला कर दिंदे ने, जां उपरों दंद काले हो के भुरने शुरू हो जांदे आ। हौली हौली टुट के कुछ समय विच ही दंदां विच खोड बना लैंदे ने ते दंद काम करन दी बजाए दर्दां पैदा करके तकलीफ दिंदे ने। इस दे इलाज लई समां रहिंदिआं ही ध्यान देण दी लोड़ है। इसलिए हर रोज़ एक ताज़ा औला खाओ, जां सुक्के औले नूं रात नूं भिओ दिओ, सवेरे चबा के खाओ ते कुछ ही दिनां विच दंदां विच पैदा होए जरासीम जां कीड़े खत्म हो जाणगे ते तुहाडे दंद मुड़ तों तंदरुस्त दिखणगे ते तुहाडा स्वाद वधिया रहेगा, तुसीं खाने दा आनंद माण सकदे हो ते स्वाद माण सकदे हो। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।